हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में मैं अपने सोरासिस पेशेंट की हिस्ट्री और उनकी रिकवरी लेकर आई हूँ। एक तो मैं ये शेयर करूँगी कि उनकी हिस्ट्री कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, उन्हें इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस था और इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस अक्सर फेटल बोला जाता है, जानलेवा बोला जाता है कि इसका कोई क्योर नहीं है, इसका इलाज नहीं है, इसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये थ्योरीज हमने गलत कर दी है। उनका जो सोरासिस था लगभग उन्हें 5, 6, 7 साल से ज़्यादा से था। 1 साल पहले मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू करा था और आज शायद 1 साल हो चुका है उन्हें मुझसे ट्रीटमेंट लेते हुए। मैं उनकी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि कितने कॉम्प्लिकेशंस हमने फेस करे उनके ट्रीटमेंट के दौरान और उन्हें कितनी तकलीफ हुई है या हमने क्या क्या एफर्ट्स करे और उनको अभी ऑलमोस्ट हमने ठीक कर दिया है और अब वो सोरासिस फ्री हैं। मैं वीडियोज़ भी शेयर करूँगी उनकी, मैं उनकी फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी और स्टेजेस भी शेयर करूँगी जो जो तकलीफ़ उन्होंने फेस करी है अपने सोरासिस को लड़ने में। तो अगर आपको सोरासिस है और आप नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो सबसे पहले हमें फ़ोटोज़ भेजिए, हमें कांटेक्ट करें, मुझसे आके मिले और एक सही ट्रीटमेंट लें। तो अगर मैं बात करूँ अपने पेशेंट की, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती बट आपको फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हम ज़रूर शेयर करेंगे। पेशेंट जो है यूपी में कहीं सेटल्ड हैं, दिल्ली के नहीं हैं, मेरे से दूर हैं। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा था समवेयर अराउंड जनवरी दिसंबर कि उन्हें सोरासिस है लगभग 7-8 साल से ज़्यादा से और वो गांव में कहीं रहते हैं और उनका जो सोरासिस था हेड टू टो था, कोई ऐसा पार्ट नहीं था स्किन का या बॉडी का जो सोरासिस से इफेक्टेड ना हो और उनको जो सोरासिस था उनका इरिथ्रोडर्मिक बन चुका था, बर्न जैसा बन चुका था और स्किन में कट्स, ब्लीडिंग ये सब होने लग गया था। तो जब मैंने उनको मेडिसिन देना शुरू करा, स्टार्टिंग में 2-3 महीना उन्होंने मेडिसिन खाई, उनको आराम दिखा, खुजली में आराम दिखा, उनके कट्स कम होने शुरू हो गए, सोरासिस का कुछ परसेंटेज ठीक होना शुरू हो गया। बट साथ ही साथ उनका कोई ट्रीटमेंट चलता था, अपने गांव के कोई वैद्य थे, वो पुड़िया में कोई पाउडर की फॉर्म में उनको दवाई देते थे और उस पाउडर में वी डोंट नो वो क्या मिलाते थे या हमें कुछ नहीं पता वो क्या होता था पुड़िया में, स्टीरोइड्स होते थे या ऐसी कौन सी मेडिसिंस होती थी, वो अपने हड्डियों के दर्द के लिए जो मेरे पेशेंट थे वो उनसे लिया करते थे। जब मैंने पूछा, एक पॉइंट पे आके एग्रावेशन होने लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप और क्या क्या लेते हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई वैद्य जी का चूर्ण है जो मैं हड्डियों में दर्द के लिए वो चूर्ण लेता हूँ पुड़िया की फॉर्म में। अब पुड़िया में ऐसा क्या था कि स्टीरोइड्स थे मे बी या कोई भी मेडिसिन, हमें नहीं पता उसमें क्या था। तो जब मैंने वो मेडिसिन उनकी छुड़वाई कि अब ये मेडिसिन आप लेना बंद करो क्योंकि जोड़ों में दर्द में मेरी भी मेडिसिन सोरासिस आर्थराइटिस के लिए जाती है, आराम आएगा, तो आप ये पुड़िया लेना बंद कर दो क्योंकि उस पुड़िया की फॉर्म में या उस मेडिसिन की फॉर्म में उनको तकलीफ हो रही थी उस पर्टिकुलर मेडिसिन से। तो जब उन्होंने वो छोड़ी, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर उनको एग्रावेशन आए, उनका लिवर डैमेज हो गया और उनका पूरा बॉडी और उनका फेस सूज गया, डीप कट्स उनके पड़ चुके थे और सोरासिस 10 times 100 times ज़्यादा बढ़ चुका था। तो हम ये समवेयर अराउंड मार्च की बात है जब लॉकडाउन लगा था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा कि मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले मुझे सोरासिस को नहीं ठीक करना था, उनकी जान बचानी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सूजन थी बॉडी में, डीप कट्स थे, वूंड्स हो रहे थे और बहुत ज़्यादा एग्रावेशन थी। तो मैंने उनको सजेस्ट करा कि आप इमरजेंसी में, मैंने अपनी अप्रोच से उनको हॉस्पिटल भेजा और उनका पानी जो है सुखवाया, पानी निकलवाया, सूजन कम करवाई। फिर रिपोर्ट्स में निकल कर आया कि लिवर डैमेज है, जॉन्डिस है और लिवर के थ्रू ही पानी बॉडी में भर रहा है। तो हमने उनकी मेडिसिन चलाई लगभग 2-3 महीने लिवर की, पहले उनका जॉन्डिस ठीक करा, उनका जो लिवर डैमेज था, लिवर ऑलमोस्ट फेलियर की तरफ था, वो ठीक करा। फिर हमने दोबारा, उन्होंने इंग्लिश मेडिसिन लेना बंद कर दिया, एलोपैथिक मेडिसिन लेना बंद कर दिया क्योंकि सूजन उतर चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि आप ही ठीक करो, आप ही से ट्रीटमेंट चाहिए। तो फिर मैंने लिवर के साथ साथ उनको सोरासिस की दवाइयाँ देना शुरू करी और आज वो इस स्टेज पे हैं कि वो हेल्दी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ, लिवर उनका परफेक्टली फाइन है और सोरासिस एकदम ठीक हो गया है, स्किन एकदम क्लियर हो गई है।
तो आपको समझ आएगा कि जो भी आप स्टीरॉइड्स लेते हैं या जो भी स्पेशली जो छोटी जगह पे लोग रहते हैं वो पुड़िया में कोई वैद्य जी दवाई दे देते हैं या पुड़िया वाली दवाइयाँ खाते हैं, अगर आपके सामने दवाइयाँ पीसी जा रही हैं, आपके सामने कोई आयुर्वेदिक हर्ब पीसा जा रहा है या मेडिसिन पीसी जा रही है तो ही आप उसको कंज्यूम करें। अदरवाइज़ अगर आपके सामने वो नहीं पीस रहे हैं तो आप ऐसे कोई भी दवाई बिना जानकारी के ना लें, क्योंकि उन दवाइयों में आपको नहीं पता, हमें नहीं पता वो क्या देते हैं। स्टीरॉइड्स होता है और स्टीरॉइड्स छोड़ते ही बॉडी इतनी गंदी तरह से एग्रावेट करती है मेडिकल कंडीशन, या सोरासिस ले लो, जैसे मेरे पेशेंट के साथ हुआ, स्वेलिंग आ गई, लिवर फेलियर हो गया। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में सोरासिस से तो अलग आप तड़प रहे हैं, सफरिंग है सोरासिस की, लेकिन ये फेटल हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको खुद को बचाना है, ऐसे दवाइयों से खुद को दूर रखना है और एक अच्छा ट्रीटमेंट लेना है कि सोरासिस ठीक होने के साथ साथ आपके इंटरनल जो इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है कि आपको क्या लेना है, कैसा ट्रीटमेंट चाहिए और आप कैसे ठीक होंगे। तो पेशेंट, मैं यहाँ पर अपने पेशेंट की तारीफ़ करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे जो विश्वास दिखाया कि मैं आप ही से दवाई लूँगा, मैं आप ही से ठीक होऊंगा, मुझे आप ही ठीक करो, और एक साल तक मेरा साथ दिया उन्होंने, सब्र रखा और एक कॉन्फिडेंस रखा कि वो मुझसे ही ठीक होंगे। तो ये डॉक्टर पे ट्रस्ट रखना और भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बहुत अच्छा दिया जा रहा है, और अगर आपका साथ है, आप चीज़ें मानते हैं, और जैसे मेरे इस पेशेंट ने मेरी चीज़ें मानी, मेरी बातें मानी, मेरी दवाइयाँ मेरे हिसाब से ली, डाइट मेरे हिसाब से ली, तो अभी वो एकदम सुरक्षित हैं, लिवर उनका ठीक है, सोरासिस उनका ठीक हो चुका है, और एक साल तक उन्होंने मेरा साथ दिया है खुद को ठीक करने में। तो अगर आपको सोरासिस है, ये जैसे एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस के लिए सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये क्योरेबल नहीं है, वो तो सोरासिस के लिए भी बोलते हैं कि ये क्योरेबल नहीं है, एरिथ्रोडर्मिक का कोई इलाज ही नहीं है क्योंकि बर्न जैसा बन जाता है, ये ठीक ही नहीं हो सकता, जानलेवा है, बट ये सारी थ्योरीज हैं। आपकी लाइफ जब तक डिसाइडेड है आप तब तक जियेंगे और अच्छे से जियेंगे, बस आपको एक सही डायरेक्शन और एक सही गाइडेंस चाहिए, सही ट्रीटमेंट चाहिए जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को सुरक्षित रखे सोरासिस ठीक करने के साथ साथ। तो आप यहाँ से वीडियो देखिए पेशेंट की, उनसे प्रोत्साहित होइए, अपना मनोबल बढ़ाइए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और अपने सोरासिस को ठीक करें। और अगर आपको सोरासिस है, चाहे एरिथ्रोडर्मिक भी है, तो आप हमें फ़ोटोज़ भेजें, हमसे कॉल करें, हमसे मिलने आए और फ्री कंसल्टेशन लें और एक सही ट्रीटमेंट लें सही गाइडेंस के साथ, और अपने वाइटल ऑर्गन्स को सुरक्षित रखते हुए अपना सोरासिस ठीक करें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।